नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। बच्चों की खेलने वाली जमीन पर गलत तरीके से किया गया कब्जा, 100 साल पुरानी फील्ड GM लैंड खाता संख्या 48 प्लॉट नंबर 226 सलकसवा खार को महेश्वर महतो के द्वारा बंदोबस्ती कराकर कब्जा कर लिया गया है। वहीं ग्रामीण जनता का कहना है कि हम लोग बचपन से इस खेल के मैदान में खेलते आ रहे हैं। इस जगह पर कई बार वर्षों से फुटबॉल टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट खेल होते आ रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक मैदान है। इस जगह से कितने बच्चों ने खेल कूद कर सिपाही BSF की नौकरी प्राप्त की है। इस जगह पर दूर दूर से खिलाड़ी मैच खेलने आते हैं। इस जगह के बारे में हम लोग कई बार अधिकारी को लिखित रूप से सूचना दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब इस जमीन पर बच्चे खेलने जाते हैं तो उन्हें मार कर भगा दिया जाता है। कसवा खाड़, बासाबार, जयपुर, महुलिया, तुया, चुरादोहर, करमाही, होमिया, पकरिया, बगैया, नावा जयपुर, नावटोली के कई ग्रामीण जनता उपस्थित रहे। वहीं नागेंद्र महतो, सकेंद्र कुमार, मनोज सिंह, संतोष कुमार प्रजापति, रमेश साहब, अजय बक्सराय, राम बिहारी महतो, अरुण सोनी, कृष्णा शर्मा, मोहन भुइया, कैलाश सोनी, मुकेश कुमार, रघुनाथ महतो, जितेंद्र शर्मा, राजनाथ साहब, मंगर भुइया, विजय चौहान, नंददेव चौहान, बाबूलाल चौहान इत्यादि ग्रामीण मौजूद रहे। आंगरा हो गया, इधर आपका जयपुर हो गया, तीसरी बार रोल रोड बनवा, टुइया, बगैया, सारा मतलब इस बगैया आपका वहाँ इधर चले जाए तो मोहलिया के बाद आगे क्या बोलते हैं पोखरिया हो गया, उसके बाद पचकेड़िया का चंद बहुत सारा गाँव का बच्चे मैच होता है। चाचा आप यहाँ के तो बहुत पुराने लगते हैं, तो आप ये बताइए कैसा है फील्ड में, क्या दिक्कत है और इसके बारे में आप लोग आवेदन तो कर चुके होंगे, हमको मालूम है। ये फील्ड कितना दिन पुराना है? ये फील्ड जो है से बहुत पुरानी फील्ड है। और दूसरी में कि यहाँ फील्ड है तो यहाँ बाल गोपाल सब हम ई फील्ड में बुढ़ा हो गए, लेकिन 60-65 वर्ष से हम ई में कबड्डी चिका खेलते थे और हम भी खेल मचाते थे ई में। ये जो बंदोबस्ती वो गलत तरीका से ढंग से, हाँ, ये बंदोबस्ती ऐसे गलत तरीका से महेश महतो कर रहा है और कर दिया है, तो वो करा लिए बंदोबस्ती को ख़त्म किया जाए। ये आप लोग चाहते हैं कि इस फील्ड को जो अतिक्रमण में है इसको हटा दिया जाए, ताकि आप लोग फील्ड रहना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे लोग खेले कूद करेंगे। हाँ, बात कूद करें, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या पड़ेगा? अच्छा, रघुनाथ महतो, यही के रहने वाले हैं, जयपुर के हैं। तो आप ये कितने दिन से फील्ड को देख रहे हैं? फील्ड को हम तो यहाँ 1962 से देख रहे हैं। 1962 से देख रहे हैं, और ये फील्ड को कब्जा कर दिया गया? कब्जा ये तो किसी का नहीं था। अच्छा, किसी का नहीं था, GM लैंड था। GM लैंड था मतलब इसको GM लैंड जमीन था, और ये जमीन में सारे इस क्षेत्र का सब लड़कन कबड्डी गुदरा खेलने हम लोग आते थे। उस समय ऐसा ऐसा गेंदा हम लोग सीते थे, उससे खेलते थे कपड़ा का बना बना करके, उससे भी खेलते थे। और बाद में क्रिकेट आया, फिर बॉल आया, यह सब नेहरू युवा केंद्र का खेल भी हुआ है यहाँ पर। और इस फील्ड में मेरा भी कुछ उधर हम लोग रहती जमीन है, रहती जमीन के बगल में वो कहता है कि मेरा है, हम लोग कहते हैं कि मेरा है, आज तक किसी पर तनाव चल रहा है। मतलब आप लोग का भी जमीन को इन लोगों ने कब्जा कर रहा है। इसमें इधर मिस्त्री जगह जमीन है, इन लोग की जमीन अपना है, उसका एक इंच भी जमीन महेश भाई की नहीं है यहाँ। मतलब वो गलत ढंग से उनका बंदोबस्त कब से है, मतलब कब वो किया? देखिए, हम लोग इसको जान रहे हैं यही 2-5 साल से जान रहे हैं, पहले नहीं जानते थे। क्या बता रहे हैं, भूलिए, क्या नंबर है आपका? सुनील कुमार सर, सुनील कुमार सर, क्या आप जैसे ये फील्ड है ना सर, तो ये फील्ड में वो जैसे कि बच्चा लोग के भगा दे रहा है कि हम नहीं खेलने देंगे, टांग लेके दौड़ रहा है, वो बोल रहा है किसी का जमीन के, बोल रहा है कि हमारा जमीन है फील्ड के बगल में, और उसका वहाँ एक इंची नहीं है अति जमीन, वो बंदोबस्ती कैसे क्यों करवाया? जो जितना बंदोबस्ती करवाया उतना रद्द किया जाएगा, उसको 5 एकड़ 14 डिसमिल रद्द किया जाएगा। देखिए, सरकार को बड़ा समस्या है यहाँ ग्रामीण जनता को, बच्चे लोग को खेलने का ये जो फील्ड है, तो मैं इसे मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर अधिकारी लोग कड़ी कार्रवाई करें, ताकि यहाँ के जो फील्ड है उसके साइड में बड़ी मिस्त्री के जमीन है, जोत कब्जा करते हुए देखे हैं फसल लगल, और उसके साइड में हम लोग भी अपना खेती बाड़ी करते हैं। फील्ड है, और ये फील्ड दिखाइए, आप इधर भी फील्ड दिखाइए, और बहुत से ग्रामीण जनता यहाँ उपस्थित है, और इससे साफ जाहिर पता चलता है कि जो फील्ड का जो बंदोबस्ती है बिल्कुल गलत तरीके से, गलत ढंग से किया जा रहा है और हो चुका है। तो मैं सरकार से भी ये आवेदन करूंगा कि इस फील्ड को अविलंब आन कर यहाँ जांच करके धरास्थल पर देखकर, और इस जो CO साहब से भी मेरा ये निवेदन है, BDO साहब से भी निवेदन है कि आप आएँ और आन के इस फील्ड को जायजा लें, जायजा लेने के बाद इसे तुरंत इसको
जो उनका बंदोबस्ती है उनको हटाया जाए। यहाँ के ग्रामीण जनता भी बहुत सारे जुटे हुए हैं। आज हम यहाँ जब पहुँचे तो देख रहे हैं कि पूरे के पूरे ग्रामीण जनता आक्रोश में है। आइए आप कुछ कुछ हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे और कुछ आंदोलन करेंगे, मंत्री आवास तक घेरेंगे, लेकिन इस फील्ड को बचना चाहिए क्योंकि लाइफ है हम लोगों का। यह फील्ड इस सारे बच्चों का लाइफ है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं जो सर्विस में गए हैं और यहीं के बच्चे हैं जो देश के कमान संभाल रखे हैं। और हम चाहते हैं सरकार से, राज्यपाल से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हर हालत में इस फील्ड को बचाया जाए, बंदोबस्ती को रद्द किया जाए। मैं सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ और ग्रामीणों की तरफ से मांग करता हूँ कि इस फील्ड को अति आवश्यक रूप से इसको पर विशेष ध्यान देते हुए, जांच करते हुए इसको यथाशीघ्र इस पर अमल किया जाए और बचाने का कष्ट किया जाए ताकि हम लोगों का लाइफ बच सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए नेशनल न्यूज चैनल R9 भारत। फील्ड है, इस फील्ड को जल्द से जल्द हटाया जाए, आक्रमण को हटाकर इसको बंदोबस्ती को रद्द करके यह फील्ड खेलने योग्य है और खेलने योग्य ही रहा था। और इधर बगल में नदी भी है, देख रहे हैं कि पूरा फील्ड पूरा खाली है। अभी कुछ बच्चे लोग गेंदा भी खेल रहे हैं सर। और देखिए आपका क्या नाम पड़ेगा सर, आइए बताइए जरा। मेरा नाम अनिल कुमार बक्सरा। अनिल कुमार बक्सरा है, आप ये क्या कब से देख रहे हैं? अरे फील्ड में तो हम लोग बहुत खटे हैं यार। खटे हैं ये मतलब ये बंदोबस्ती है, मैंने ये जो बंदोबस्ती है वो गलत है। गलत है, मतलब गलत तरीका से किया, एकदम गलत तरीका से किया गया है। यहाँ 15 साल हम लोग खेले हैं। 15 साल आप लोग खेले हैं। और चलिए, और कोई व्यक्ति है? और इधर महिलाएं लोग भी खड़ा है, दिखा दीजिए। महिला लोग भी कुछ खड़ा है आप इन लोग, महिला लोग से भी हम कुछ बातचीत करते हैं इस फील्ड के बारे में। चाची आप क्या नाम पड़ेगा आपका? मानव कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, जयपुर के। जयपुर के रहने वाले हैं। तो ये फील्ड, बच्चा लोग इस फील्ड में खेलते थे? ये बहुत दिन से ये फील्ड बा, ये बहुत पुराना फील्ड है। पुराना अब हमार वहाँ जगह बा, अथी जयपुर से यहाँ ले हलन खेत, तो ये एक बीघा खेत हमन के दबा लेलक, अब बंदोबस्त करा लेलक। तो क्या नाम है उनका जो बंदोबस्त कराए हैं? महेश महतो। हाँ। मतलब ये पूरे टोटल की जगह का ही है बंदोबस्त? हाँ, टोटल के। तो वही से, हाँ, तो यही से अथी बहुत दिन से ये महेश बजे, अब जो हम इनके कर ही नहीं खाते। बहुत देखिए, और भी कोई लेडीज लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सविता देवी। तो ये जो फील्ड देख रहे हैं, ये आप लोग का बच्चा लोग बहुत बचपन से ही इस फील्ड में खेलते हैं? हाँ, हमारा नाम है सविता देवी। हम गांव में 17 साल से आए हैं। 17 साल से ही पूरे जितना जमीन के परित दिखा रहा है सब फील्ड देखे हैं। उसके साइड में बड़ी मिस्त्री के जमीन है, जोत कब्जा करते हुए देखे हैं फसल लगल, और उसके साइड में हम लोग भी अपना खेती बाड़ी करते हैं। फील्ड है, और ये फील्ड दिखाइए, आप इधर भी फील्ड दिखाइए। और बहुत से ग्रामीण जनता यहाँ उपस्थित है, और इससे साफ जाहिर पता चलता है कि जो फील्ड का जो बंदोबस्ती है बिल्कुल गलत तरीके से, गलत ढंग से किया जा रहा है और हो चुका है। तो मैं सरकार से भी ये आवेदन करूंगा कि इस फील्ड को अविलंब आन कर यहाँ जांच करके धरास्थल पर देख कर, और इस जो CO साहब से भी मेरा ये निवेदन है, BDO साहब से भी निवेदन है कि आप आएँ और आन के इस फील्ड को जायजा लें। जायजा लेने के बाद इसे तुरंत, इसको जो उनका बंदोबस्ती है उनको हटाया जाए। यहाँ के ग्रामीण जनता भी बहुत सारे जुटे हुए हैं। आज हम यहाँ जब पहुँचे तो देख रहे हैं कि पूरे के पूरे ग्रामीण जनता आक्रोश में है। आइए आप कुछ कुछ हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे और कुछ तो आंदोलन करेंगे, मंत्री आवास तक घेरेंगे, लेकिन इस फील्ड को बचना चाहिए क्योंकि लाइफ है हम लोगों का। यह फील्ड इस सारे बच्चों का लाइफ है क्योंकि यहाँ से बहुत। एक और हमारे साथ उपस्थित है एक जनता, क्या नाम पड़ेगा आपका? नागेंद्र मेहता। आप नागेंद्र मेहता? हाँ, नागेंद्र मेहता। इस फील्ड के बारे में आप क्या जानकारी दें? फील्ड में हम ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि जो फील्ड हम लोग का, आज हमारे उम्र 42 साल हो गया, हमारे गार्जियन लोग इस फील्ड में खेले, यहाँ पूर्वजों लोग खेलते आ रहे हैं। आज 1991 मानव में महेश्वर महतो का तो कागज़ बना लिए, इसके बारे में हम लोग नहीं, जानकारी हम लोग को नहीं था। 2019 में एक बैग को फील्ड पर अतिक्रमण करना चाहे कि हमारी फील्ड है से हम यहाँ खेलने नहीं देंगे, हम कब्जा कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ ग्रामीण दोस्त 3 साल से लड़ते आ रहे हैं कि अतिक्रमण न हो। इसके बाद हम लोग CO साहब के यहाँ आवेदन दिए, SC साहब के यहाँ दिए, जिला में उपायुक्त महोदय के दिए कि इसको जांच किया जाए। कर्मचारी साहब यहाँ आए, अमीन आए, जाँच किए, उस रिपोर्ट में लिखे गोल पोस्ट है, चंपा का लोग रहे, हम लोग करवाए आ गए। अभी तक फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब आप लोग आवेदन दे चुके हैं इसके बारे में जानकारी, मतलब BDO को CO को सूचना मतलब हो चुका है? हाँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर
नहीं किया गया इस वर्ष, मतलब फिर जोतने के लिए आप फिर जोतने के लिए आ गए। हम लोग पूरे ग्रामीण उनको रोक रहे हैं, वो आते के बाद आते हैं महिला लोग इधर निकलती है बगल वाले खेत वालों के, तो टांगी लेके निकलते हैं, बोलते हैं कि मेरा जमीन है इधर मत बैल मत चराओ, तो गेंदा मत खेलो, ई मत करो, कहने लगते हैं। जब महेश्वर महतो के यहाँ जमींदारी था, यहाँ पहले पूर्वज जमींदार का गाँव था, तो मलबंदी जमींदार लोग भी छोड़ दिए हैं ताकि बच्चे लोग के खेलने के लिए। ये पहले जमींदारी प्रथा जमींदारी के समय का जमीन है और इसको स्पेशलिस्ट मतलब फील्ड के लिए ही छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया ही गया है, पूर्वजों छोड़ दिया है। ये गलत तरीका से मतलब ये तरीका से जो अवैध माल बंद किए हैं, उपायुक्त महोदय से हम लोग निवेदन करते हैं कि पुनः ये जाँच करें, प्रखंड विकास पदाधिकारी करें, यहाँ अंचल अधिकारी करें, हमारे नवा जयपुर थाना प्रभारी पर संज्ञान लें कि पुनः इनको जाँच करके इसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और किन्हीं को इस जमीन के बारे में विशेष जानकारी के क्या नाम है आपका, क्या बारे? हमारा नाम है कृष्णदेव शर्मा। ये फील्ड जब से हमारा 65 साल हो गया, हमारा पिताजी इस फील्ड के बगल में जंगल झाड़ी काट कर जोतकार भी अभी तत्काल में कर रहे हैं, मैंने किए हैं, उसमें फसल भी हम लगाए हैं। इस फील्ड को आज 65 साल से ही मैंने देखते आ रहे हैं, इसमें खेले भी हैं। ये 5 गांव के यानी 5-6 गांव के मतलब कि प्रतिदिन आकर बच्चों लोग खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं। और इस पर जो है से महेश्वर महतो 1900 क्या कहते हैं कि रद्द करने के लिए भी आप मांग करते हैं। हाँ। देखिए चाचा कितना दुखित हैं और ये भी अपने विचार को रख रहे हैं, विकलांग हैं, इनका हाथ भी नहीं है, फिर भी इस जमीन के ये जो खेल है बच्चों का खेल के जो फील्ड है, इस फील्ड को आज़ाद कराने के लिए भी अपने साथ खड़े हैं पूरे ग्रामीण जनता के साथ। और हमारे साथ एक यहीं के मोहलिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं मुकेश जी। मुकेश जी आइए इधर, क्या आप इस जानकारी के लिए आप क्या इस फील्ड के बारे में क्या जानकारी? अरे जहाँ तक है ये 100 साल पुराना फील्ड है। अच्छा। और इस फील्ड को मतलब 1990-91 में महेश्वर महतो के द्वारा बाई जबरदस्ती बंदोबस्ती करा लिया गया है। और आज से नहीं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खेलकूद करते हैं, हमेशा इस फील्ड पे कोई ना कोई खेलकूद का आयोजन होते रहता है, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, होते रहता है। और उसको जबरदस्ती मालबंदी करवा के और इस पे अचानक मतलब आके और बोलते हैं कि हम जोत लेंगे, कोई अब इसको में किसी को चढ़ने नहीं देंगे, हमेशा बच्चा लोग को दबाव देते हैं, मारने भी दौड़ जाते हैं बच्चा लोग को, और बोलते हैं कि ज़मीन मेरा है, इस छोड़ के भाग जाओ। हम CO साहब और उपायुक्त महोदय से ही निवेदन करेंगे कि इस जो बंदोबस्ती करा लिए हैं महेश्वर महतो, उनका बंदोबस्ती को रद्द कर दिया जाए, ताकि हमारा आने वाला जनरेशन जो है इस फील्ड पर अपना दौड़ कूद हो गया। और जैसे कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं फोर्स में भी गए हैं, पुलिस भी बने इसी फील्ड पे दौड़ कूद के, और रद्द किया जाए इस मतलब बंदोबस्ती को, मतलब हर विभाग में इस फील्ड से गए, मतलब ये विभाग में आप लोग भी चक्कर लगा चुके हैं। जी जी, हम लोग भी बहुत दिन तक इस फील्ड में दौड़े हैं, खेलकूद भी किए हैं, बहुत बार आयोजन हुआ है, लेकिन आज तक ला इस फील्ड को मतलब बहुत पुराना फील्ड है, ये देखने से भी लगता है कि बहुत पुराना फील्ड है, और ग्रामीण जनता के जो विचार मिल रहा है उससे भी पता चलता है कि बहुत पुराना फील्ड है। तो सरकार से हम ये भी मांग करेंगे, हम अपना तरफ से भी, कि सरकार लान की इस धरातल पर जांच करे, जांच करने के बाद यहाँ जो इसका जो उचित फैसला है सरकार उस पर देने का प्रयास करे, ताकि ये ग्रामीण जनता का भी जो दुख है वो हट जाए, और यहाँ का जो बच्चों का खेलकूद का जो मैदान है वो अतिशीघ्र इसको खाली करके वो फील्ड से पुनः इसको फील्ड में बनाने का प्रयास करे। तो ही क्या आप क्या बोलना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि हम लोग सुबह आए थे सफाई करने के लिए वो फील्ड के लिए। आज में सुबह आए थे? नहीं, ये महीने दिन पहले। अच्छा, महीने दिन पहले। उसके बाद में वो बोल रहा है महेश महतो कि जमीन मेरा है, तुम सफाई क्यों कर रहे हो, हमें कि ग्राउंड है, ग्राउंड में सफाई करेंगे लेकिन खेलकूद करेगा। वो टांग लेके तैयार हो गया कि हम मारेंगे, ये नहीं साफ करने देंगे, मेरा जमीन है। हमें पहले तो खानदानी मेरा, हमारा रजती के बगल में गंजमरवा, तो हम लिख हो गया, तुम्हारा कैसे हो जाएगा हम लोग का? तो यही हम कहना चाहते हैं कि जो ग्राउंड है ग्राउंड रहेगा, फील्ड रहेगा, ये किसी को जोतकार नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, क्या कहते हैं कि 1991 में वो 94 में बंदोबस्त करा लिया है। पहले तो मालूम नहीं था कि 94 में बंदोबस्त किया, लेकिन ये साल भर पहले ही इससे मतलब कि धमकी देना शुरू कर दिया कि फील्ड को हम जोतेंगे, और बगल में जिसका ज़मीन है वो नाम लेता है कि कृष्णदेव शर्मा, सुनील शर्मा,
और जितना अन्य लोग और हैं 6-7 गो, उन लोग को भी नाम लेता है कि उन लोग को भी हम जोतेंगे। तब चेतन हुआ, हम लोग गरीब मजदूर हैं, अब इसी यहीं पर हमको ज़मीनें हैं और दूसरा जगह है ही नहीं। चेतन पड़ा तब कोई सहारा के लिए, हम नागेंद्र महतो के लिए, तब ये जाकर दौड़ फिर करके इतना आगे बढ़ा रहा है। अब ये उपायुक्त से महोदय से यही सर्व निवेदन है कि इसका सर्व ही आकर सच जांच करके ही इसका कार्यक्रम रद्द किया जाए। देखिए बहुत ही मतलब इन लोग जनता लोग इस चीज़ के लिए क्रोधित हैं, और ये जनता लोग क्रोधित हैं और देख रहे हैं कि पूरा ये फील्ड में पूरा भी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं कि ये फील्ड को खाली कराया जाए। क्या आप अभी कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर सर, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ, हम इसी गांव का निवासी हैं। सर मेरा कहना है कि यह ज़मीन जब पूर्वजों द्वारा राजपुर, जैसा हमारे नागेंद्र जी बताएं कि यह जो है राजशाही जमाना से यह फील्ड के लिए छोड़ा गया है, तो मुझे यही रिक्वेस्ट करना है CO महोदय से या DC महोदय से, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको संज्ञान लेते हुए इस फील्ड को, हमारे 10 गांव के लाइफ को बचाने का कष्ट करें। अन्यथा अगर उनसे संभव नहीं होगा तो हम लोग उनके सपोर्ट में उनके आगे तक जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग पूरे 10 गांव के लोग, कम से कम 15-20 होंगे, लेकिन फिर भी 10 गांव के एकदम पूर्ण रूपेण से इस पर आश्रित हैं। हम लोग यहाँ से मुख्यमंत्री तक धरना के काम करेंगे, या अगर इससे पहले हमारी समस्याओं को समझ करके अगर स्वतः संज्ञान लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा, और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक तो और चाचा उपलब्ध हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? सुखलाल मिस्त्री। क्या आप इस ज़मीन के बारे में क्या जानकारी जानते हैं? इस ज़मीन के अनुसार यह फील्ड है और बगल में मेरा ज़मीन है। आपका बगल में फील्ड के बगल में जस्ट आपका ज़मीन है। हाँ। ये फील्ड आप कितना दिन से देख रहे हैं? इसमें हमारे देखे हैं कि हमको 70 से 75 हो गया, 70-75 साल हो गया। हाँ। वो तब से ये मतलब फील्ड है यहाँ? फील्ड है, और फील्ड में जो मतलब जो बंदोबस्ती हुआ गलत तरीका से किया गया, गलत तरीका से इसका रद्द। ऑनलाइन भारत से रामाशीष कुमार की रिपोर्ट, नावा जयपुर थाना। खबर आ रही है साहिबगंज झारखंड से, जहां झारखंड के गंगा तट किनारे मात्र एक ही जिला साहिबगंज है जहां हर वर्ष बरसात के मौसम बाढ़ से जलमग्न प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र हो गए हैं। लोगों को बाढ़ से परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वहीं पत्रकारों ने बाढ़ से संबंधित सवाल ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से करने पर मंत्री जी बोले कि सरकार की पहली नज़र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों पर है, बहुत जल्द ही बाढ़ से प्रभावित लोगों तक खाद्य सामग्री, यातायात नाव की व्यवस्था, साथ ही पशुधन की चारा, बहुत जल्द राहत सामग्री कार्य करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। ये जिले में बाढ़ की त्रासदी जो हिंसा बढ़ चुकी है, तो सरकार अब क्या कुछ कर रही है? देखिए आज जो है साहिब में जाने के पश्चात मुझे जानकारी मिला, कल भी अखबारों में लिखे थे, और इस बार लगता है कि मुझे जब भी हम देखे हैं सितंबर में नहीं बाढ़ आती, इस बार अगस्त महीने में आ गया। अभी हम जो है किसी को बुलाए हैं अभी, और जो राहत कार्य साहिबगंज प्रखंड के कुछ गांव जो है गंगा नदी का पानी के उफान के कारण जो गांव ऐसा गांव को चिन्हित करके जहां पर चूल्हा वूल्हा नहीं जलता है वहां का राशन पानी पहुंचाया जाए, जहां आवरण बाधित हो गया पानी के चलते वहां नाव देने की व्यवस्था की। सबसे बड़े असर के जो नाव है अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, जो आवागमन की सुविधा है लास्ट ईयर जो 19 में हुआ था उसका पेमेंट नहीं मिल रहा, अब तो कुछ तकनीकी बताएं, लेकिन परेशानियां तो सर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको झेलनी पड़ रही है, तो तत्काल क्या कुछ हो सकता है? तत्काल आपने कहा कि जहां पर आवागमन बाधित है वहां पर जल्द से जल्द आवागमन की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था किया जाए। जिन गाँव में पानी 24 घंटा से ऊपर घुसा हुआ, पानी निकालने की कोई रास्ता नहीं है, उनके लोगों को राशन पानी सूखा खाद खाद्य वस्तु देने के काम करें, ये हम अभी इसी को बुलाएं, इसी को बोलकर कराने के काम करें। ऑनलाइन भारत के लिए साहिबगंज झारखंड से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। खबर
आ रही है साहिबगंज झारखंड से, जहां कासा स्वयंसेवी संगठन के द्वारा बोरियो प्रखंड के कई गांव में कासे से संबंधित कार्य कर रहे हैं। साथ ही समाज के उत्थान के साथ कोविड 19 की जागरूक कर वैक्सीन टीका कैंप लगाकर कार्य करना एवं महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के काम कर रहे हैं। वहीं कासा संस्था के द्वारा कोविड 19 को लेकर बोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य अतिथि डीडीसी प्रभात कुमार बर्दियार, बीडीओ दिलीप टुंडू के संयुक्त रूप से इक्विपमेंट ऑक्सीजन यंत्र का फीता काटकर कासा संस्था के स्वास्थ्य संबंधी परिसंपत्ति कोविड किट को बोरियो स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को सुपुर्द किया गया। वहीं डीडीसी श्री बर्दियार ने कहा कि कांसा संस्था द्वारा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हर संभव आम लोगों की मदद के साथ जागरूक कर एक सशक्त समाज का निर्माण कार्य करते रहेंगे, यह एक सराहनीय कार्य किया है। साथ ही बीडीओ श्री टुंडू ने बताया कि बोरियो प्रखंड में कांसा संस्था द्वारा संकट की घड़ी में समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है। वहीं मौके पर कांसा संस्था के संयोजक दिलीप कुमार राम, प्रोजेक्ट ऑफिसर जोनाथन राव, जोसेफ मुर्मू, डीपीएम अजीत कुमार, अन्य सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि मेरे यहाँ खाली जो सामान था, यानी कि एक सामान नहीं था, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मीटर ये जो है ये नहीं था, और बाकी तो गिने चुने कुछ कुछ है, लेकिन सब नहीं रहने के बावजूद कुछ दिक्कतें होती थी, अब ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे कि ये कस्टम है, हम जानते हैं कि हमारा पूरा देश जो है कोरोना से प्रभावित है, और इस बीच हमारा ये बोरियो क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ जहां तक हो सका कुछ उपकरण, मेडिकल उपकरण सीएससी यहां बोरियो को देने का ऐसा सोचे हैं, और उसी का एक कार्यक्रम आज यहां पर है। तो हम आग्रह करते हैं, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया गया है जो बहुत ही उपयोगी मशीन है यहाँ के लिए, यहाँ इसकी कमी थी, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑक्सीजन मीटर, बीपी मॉनिटर, रेस्पिरेटर, रेस्पिरोमीटर और बहुत सारे और भी इनके द्वारा से इक्विपमेंट दिया गया है, जो हॉस्पिटल में कोरोना की जांच के लिए या उसके इलाज के लिए काफ़ी सहयोगी साबित होगा। और इसके साथ साथ ये भी साथ में ये रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, वहाँ के लोगों को जागरूक करने के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है, और इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। सभा में उपस्थित थे हमारे आदरणीय डीडीसी सर, बोलियो सीएससी का प्रभारी सर, क्योंकि ये बहुत ही रिमोट एरिया है और हम लोग देखते हैं कि हम लोग सभी सामानों को हमारे जो भी कोविड के समय में परेशानी हम लोगों ने झेली है, वो समस्या पूर्ण रूप से तो नहीं, फिर भी हम लोग कम तो कर सकते हैं चुनिंदा सामानों का यहाँ पर प्रबंध करके, ये काम कसा की ओर से किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऑनलाइन भारत के लिए साहिबगंज झारखंड से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। खबर आ रही है साहिबगंज झारखंड से, जहां राजमहल विधायक अनंत ओझा ने जिला परिषद के विवाह भवन में प्रेस वार्ता कर कहा, साहिबगंज जिले के आलझारी बढ़रवा प्रखंड के आंशिक पंचायत एवं साहिबगंज राजमहल उदवा प्रखंड बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हो चुका है, जिसे मुख्यमंत्री से भी बाढ़ संबंधित से अवगत करा चुके हैं। वहीं तीखे शब्दों में कहा कि जिला प्रशासन किसके इशारों पर काम कर रही है, सिर्फ बाढ़ क्षेत्र के भ्रमण कर रही है और कोई राहत सामग्री व्यवस्था नहीं कर रही है। खास करके गंगा किनारे का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, और लगातार जिस गति से यह जो आपदा आई है साहेबगंज जिले के ऊपर, विशेष करके साहेबगंज सदर प्रखंड, राजमहल प्रखंड, उदवा प्रखंड, साहेबगंज नगर, राजमहल नगर, आंशिक रूप से बढ़रवा का कुछ पंचायत, कलझारी का कुछ पंचायत, तो आपदा के कारण, बाढ़ के कारण स्थिति पूरी तरह से भयावह हो गई। विगत 10 दिन पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को
से आग्रह किया था कि अंचल प्रशासन सुस्त है, सबसे पहले बाढ़ का पानी गदाई दियारा में घुसा था, लोग 5-6 फीट पानी के अंदर रह करके जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यजनक तरीके से जो संवेदनशीलता की हद है सरकार ने पार की है, जिस प्रकार से बाढ़ में फंसे हुए जो लोग हैं उनके जीवन को बदलने में शासन का जो भूमिका होती है, आज आप सबों के माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं कि सरकार ये बताए कि किसके दबाव में शासन ने अभी तक बाढ़ पीड़ितों का सहायता करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया। मैंने देखा समाचार पत्रों में कि जिला प्रशासन के अधिकारियों का गांव में जाना हुआ, मुझे लगा कि अंचल प्रशासन संवेदन शून्य है, लेकिन जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी जाकर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उन्होंने खुद देखा है कि किस प्रकार से माल मवेशी पशु का स्थिति क्या है, किस प्रकार से लोगों का चारा उपलब्ध नहीं है, लोग 6-6 फीट पानी में रह रहे हैं, जो चबूतरा बना है चबूतरे पर जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 3 दिनों तक हमने इंतजार किया और 3 दिनों के बाद तक भी एक दाना भी किसी बाढ़ प्रभावित गांव में लोगों तक नहीं बटा। और इस नाते आज आप सबों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपदा का जब समय आता है, जब संकट का समय आता है, सामान्य जनगण के मन का जब संकट आता है, उस समय सारी व्यवस्थाओं को तोड़ते हुए और उस आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शासन का पहुँच होता है, शासन उसके कल्याण के लिए बात करती है। दुर्भाग्यजनक तरीके से अभी तक एक भी नाम, अगर हम बात करें साहेबगंज सदर प्रखंड के हाजीपुर दियारा का पंचायत का, हम बात करें किशन प्रसाद पंचायत का, उत्तरी मखमलपुर पंचायत का, नाढ़ी दियारा पंचायत का, किशन प्रसाद पंचायत का, हरिप्रसाद पंचायत का, सोबकपुर गंगा प्रसाद पूरब पंचायत का, उसी तरह से रामपुर से सकरी गली पंचायत, खास करके गोपालपुर दियारा, फिर राजमहल प्रखंड में अगर बात करें तो। ऑनलाइन भारत के लिए सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, साहेबगंज झारखंड। हाटगम हारिया प्रखंड अंतर्गत कुशमुंडा पंचायत में मनरेगा योजना के वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के तहत बनने वाले नडैप टैंक, बकरी शेड, पोल्ट्री शेड, नेटबंदी योजना में हुए वित्तीय अनियमितता की शिकायत अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के जिला उपाध्यक्ष माधव चंद्र कुंकल ने आवेदन के माध्यम से मनरेगा आयुक्त झारखण्ड सरकार से की तथा आवेदन की प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार, संयुक्त सचिव मनरेगा भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली, मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार, सचिव ग्रामीण विकास विभाग रांची, निदेशक प्रवर्तन निर्देशालय झारखंड सरकार, उपायुक्त पंडित सिंह भूम, विकास आयुक्त पंडित सिंह भूम, अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी हाटगम हारिया को पदाधिकारी हाटगम हारिया को सौंपी गई। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के जिला उपाध्यक्ष माधव चंद्र कुंकल ने ग्रामीणों के साथ योजना स्थल की जाँच की तो योजना स्थल पर किसी भी प्रकार के नडैप टैंक के निर्माण को नहीं पाया, मगर वेंडर आयुक्त ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन के द्वारा उक्त योजना की पैसों की निकासी कर ली गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कुशमुंडा पंचायत के मुखिया विद्यासागर बागरई और उनके सहयोगी झारखंड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मंझगांव शाखा के बैंक मित्र सेनापति बारीख के द्वारा चालाकी से मनरेगा मजदूरों के खाते से ई पोस्ट मशीन में जबरदस्ती पंचिंग कराकर आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकलवा लिया गया है। शिकायत के बाद वेंडर आयुक्त ब्रिक कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर कपिल बारीख के द्वारा दिनांक 17 अगस्त 2021 को आनंद फानन में कुशमुंडा पंचायत के अरुसई के बीनू सिंह पिंगवा तथा घनश्याम पिंगवा का नडैप टैंक का निर्माण करवा दिया गया ताकि योजना में हुए अनियमितता की नीपा पोती की जा सके। जिला उपाध्यक्ष माधव चंद्र कुंकल ने कहा कि विभाग के द्वारा उच्च स्तरीय जांच करने पर व्यापक पैमाने पर घोटाला सामने आएगा। अपन तुम दो चारण पिंगवा हाथों दो हाथों बार से पंचायत दाबू गुरी दुबी लेकिन को बइये ना का बइये केना का बइये केना हां नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।